नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री और राजेंद्र शुक्ला जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया है। हालांकि अब तक कांग्रेस ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को नहीं चुना है। इसको लेकर पार्टी की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा में कहते हैं कि मैं रिटायर नहीं होने वाला हूं। बता दें कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कहा कि मैं रिटायर नहीं होने वाला हूं, आखिरी सांस तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। एमपी में बीजेपी की सरकार बनी है, देखिएगा आपके कितने बिजली के बिल आएंगे। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में 1 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार इतना है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। छिंदवाड़ा थोड़ा बहुत बचा हुआ है क्योंकि यहाँ मुझसे थोड़ा बहुत डरते हैं। बता दें कि जिस तरीके से अब लगातार मध्य प्रदेश में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। बात करिए विधानसभा चुनाव की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की और उसमें विशेष तौर पे महिलाओं का योगदान रहा, क्योंकि बीजेपी को महिला वोट बैंक जो है 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और इसका कारण जो है शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना। ये वो योजना है जिसके तहत मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की। हालांकि बीजेपी के कई नेता विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान ये कहते हुए देखे गए कि मोदी चेहरा ही उनका पार्टी का चुनाव चिन्ह है, लेकिन शिवराज फैक्टर भी बीजेपी की मध्य प्रदेश में जीत का एक प्रमुख फैक्टरों में से एक है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के लिए योजना तमाम लाई गई बीजेपी की तरफ से और शिवराज सिंह चौहान जो है उसमें अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे, वहीं बात करें कांग्रेस की हार का कारण, तो सबसे बड़ा कारण ये होगा कि अखिलेश यादव को लेकर जिस तरीके से कमलनाथ जो है लगातार बयानबाजी करते हुए पकड़े गए और उसके बाद कांग्रेस ने कुछ खास स्टैंड नहीं लिया, और यही वो वजह है कि विवाद बढ़ता गया और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक बुरी जीत का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नई आवाज के साथ।